नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजानंद आज आपके लिए लाए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों कि कब होगी ग्रुप डी की परीक्षा। जो ग्रुप डी RRC ग्रुप डी की परीक्षा है कब होगी, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रह सके। दोस्तों हम रोज़ाना आपको करंट अफेयर और ग्रुप डी के संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनसे एक क्लास लेते हैं और ग्रुप डी की एक एक अपडेट जो कि पुरानी भर्ती है उससे भी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों हम ग्रुप डी की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाइए तो आगे भी हम तक ग्रुप डी की एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है वीडियो के अंदर, कब की है डेट। देखिए ग्रुप डी की काम की खबरें हैं जो हमारा ये अखबार है दोस्तों जो पटना का, इसमें ग्रुप डी की परीक्षा 15 सितंबर के बाद रेलवे ग्रुप डी 15 सितंबर के बाद होगी, इसके लिए जल्दी RRB की ओर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अभी RRB ग्रुप डी ने ग्रुप डी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का स्टेटस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थियों का फॉर्म किन कारणों से निरस्त हो क्या इसको सूचना भी दे दी गई है। परीक्षार्थी RRB की वेबसाइट पर जाकर आवेदन निरस्त होने का कारण जान सकते हैं। इसके लिए 31 मार्च तक समय दिया गया है। ग्रुप डी के 1,05,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन किया गया था। इस देश भर में 1,20,00,000 के आसपास परीक्षार्थियों ने आवेदन किया। यह परीक्षा 1 माह तक चलेगी। इसमें परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए एक दिन में दो से तीन चरणों की परीक्षा हो सकती है। दोस्तों अगर आपका आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है तो आप चिंता ना करें, आपके लिए एक सॉल्यूशन बहुत ही जल्द RRB लेके आने वाला है। ठीक है, जय जय भारत।